प्रवर्तन निदेशालय ने 5 शहरों में की छापेमारी की कार्यवाही। वॉशिंग मशीन में मिली पैसों की गड्डियां। ईडी के अनुसार जिन ठिकानों की तलाशी ली गई वे कंपनी के डायरेक्टर और पार्टनर संदीप गर्ग, विनोद केडिया की संस्थाओं से भी जुड़े हैं। इनमें लक्ष्मी टर्न मैरीटाइम, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, स्टवर्ट एलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भाग्यनगर लिमिटेड, विनायक स्टील्स लिमिटेड, वसिस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी ने कैप्रिकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय शुक्ला एवं संजय गोस्वामी की दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापेमारी। एजेंसी ने 2,54,00,000 रुपए की नकदी बरामद की। इसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन से जब्त किया गया। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण की जब्ती के साथ ईडी ने 47 बैंक खाते भी फ्रीज किए। ईडी के अनुसार जिन ठिकानों की तलाशी ली गई वे कंपनी के डायरेक्टर और पार्टनर संदीप गर्ग, विनोद केडिया की संस्थाओं से भी जुड़े हैं। इनमें लक्ष्मी टर्न मैरीटाइम, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, स्टवर्ट एलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भाग्यनगर लिमिटेड, विनायक स्टील्स लिमिटेड, वसिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। हालांकि छापे कम मारे गए, एजेंसी ने ये खुलासा नहीं किया है। बाहर भेजे 1,800 करोड़ जहाँ से पता चला कि ये संस्थाएं सिंगापुर की गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स और होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स की मदद से भारत के बाहर विदेशी मुद्रा भेजने और फेमा को उल्लंघन में शामिल हैं। इन संस्थाओं का प्रबंधन एंथनी डी सिल्वा की ओर से किया जाता है। छद्म कंपनियों की मदद से सिंगापुर की संस्थाओं को 1,800 करोड़ रुपये भेजे गए।